तो ये देखिए कितनी चटकदार बनी है हमारी ये परवल दो प्याजा की रेसिपी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल दो प्याजा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने चार परवल लिए हैं और ये वेट में लगभग 200 ग्राम के आसपास है। और चारों परवल को हम अच्छे से पहले छील लेंगे। आप चाहे तो बगैर छीले भी बना सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी कम तेल में आज बनाया है, तो आप चाहे तो बिल्कुल ज़्यादा तेल में से तल के बनाएंगे तो बगैर छीले भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे छील के बनाया है। छील के बनाएंगे तो इसके छिलके निकल जाएंगे तो जल्दी ये पकेंगे। तो हमने कम तेल में बनाया इसीलिए इसके छिलके उतार दिया हमने। तो इस प्रकार से हमने सारे परवल को छील के उसके दोनों साइड के डंठल को काट के निकाल लेंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है इसे इस प्रकार से दोनों साइड के डंठल को काट देंगे। उसके बाद हम इसे धोएंगे और धोने के बाद हम इसे कुछ इस प्रकार का शेप देंगे। इसे एक परवल को हमने चार भागों में काटा है। शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स। शेप को आप चाहे तो लंबा भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक परवल को दो भागों में काटा है जो थोड़े से लंबे हैं, उसे हमने तीन भागों में काटा है। तो ये देखिए टोटल हमने एक परवल को चार हिस्सों में काटा है और जो थोड़े से लंबे हैं उसे हमने छः भागों में काटा है। तो शेप आप अपने हिसाब से जैसी मर्जी वैसी रख सकते हैं। तो फाइनली हमने सारे परवल को इस प्रकार से काट लिया है। तो ये देखिए हमारा सारा परवल अच्छे से कट गया है। तब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और इसे परवल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहे तो ज़्यादा तेल देके आप कढ़ाई में भी इसे फ्राई करके बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कम तेल में इसे पकाया है। तो इसे मिलाने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कवर किया है। तो ये देखिए कवर करके हमने पकाया है इसे फ्रेंड्स। परवल को पट्टल के नाम से भी जाना जाता है। आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट करके नीचे बताएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने कवर करके वो ढक्कन हटाने के बाद हमने कुछ इस प्रकार से इसे चलाया है। तो ये देखिए ये हमारा कितना बढ़िया ये फ्राई हो रहा है। तो ये देखिए अब फिर से हम एक बार और कवर करके इसे पका लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये जो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और इसे हम एक बार और चला लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये परवल फ्राई हो गया है। तो ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने उसी फ्राई पैन में थोड़ी सी तेल और ऐड किया है, क्योंकि तेल हमारा फ्राई करने में थोड़ी सी ज़्यादा जल गई है। तो अब हम इसमें आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा जीरा डालेंगे और उसे रोस्ट करने के बाद हम हरी मिर्च 2 से 3 हमने काटा है और एक छोटे साइज का प्याज का हमने कुछ इस प्रकार के रफली चॉप करके इसमें इसे डाला है। तो इस प्याज और हरी मिर्च को हम अच्छे से भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने एक बड़े साइज का लिया है, तो टमाटर का भी शेप आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक टमाटर को हमने 8 से 10 टुकड़ों में काटा है और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसमें हमने डाला है थोड़ी सी कलर के लिए। तो आपके पास ना हो तो भी काम कर सकते हैं आप। तो ये देखिए मसाला कितना बढ़िया हमारा भुन गया है। तो अब इसी स्टेज पे हम नमक ऐड कर लेंगे इसमें। तो नमक ऐड करने के बाद फिर हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो अब हम प्याज डालने की बारी आती है फ्रेंड्स। प्याज हमने 2 बड़ी साइज का लेके इस प्रकार से हमने काट के इसके सारे पल को एक दूसरे से अलग कर लिया है। तो आप भी काट के सारे पल को अलग कर लेंगे। तो इसे हम लास्ट में इसीलिए डालेंगे क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं, इससे इसमें कच्चापन रहना चाहिए, क्योंकि प्याजा में थोड़ी सी प्याज कच्चापन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए उसे डालने के बाद अब हम परवल फ्राई किया हुआ डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मिलाने के बाद हम थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि थोड़ी सी पानी डालने के बाद मसाले भी अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे इसमें।
प्याज और परवल में अच्छे से मसाला सेपरेट हो जाए, इसके लिए हमने थोड़ी सी पानी डाला। आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो टमाटर को थोड़ा सा पीस के इसमें डाल सकते हैं मिक्सी ग्राइंडर में थोड़ा सा घिस के। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है, तो थोड़ी सी पानी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें लास्ट में गर्म मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा टेक्सचर है इसका। ग्रेवी भी हमने ज़्यादा नहीं रखी है, ना ही ज़्यादा सूखी है, तो आप इस प्रकार से अपने घर पर एक बार ट्राई करें। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाना इस प्रकार से आप बनाएंगे तो, और ज़्यादा मेहनत है नहीं तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा परवल दो प्याज़ा की रेसिपी बनके तैयार है। तो ये देखिए है ना बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप भी अपने घर पे फ्रेंड्स इस प्रकार की रेसिपी बनाएं और इस प्रकार की रेसिपी का आनंद लें। तो आप घर बैठे इस प्रकार की स्वादिष्ट रेसिपी अपने घर पे आप बना सकते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।